जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक है? दोस्तों CISF फायरमैन में अगर आप अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों क्या होने वाला है CISF फायरमैन, आप लोगों को नौकरी चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसलिए मैं बोला पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेना तभी आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। फिजिकल डेलेंस से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट इसमें आउट हो जाता है, इसी में रिजेक्ट हो जाता है। किस लिए होता है, किस में होता है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। फिजिकल डेलेंस से पहले सभी अलर्ट हो जाइए क्योंकि CISF फायरमैन जॉब किसी को मिलता नहीं, बहुत स्मार्ट वाला कोई मिलता है ये जॉब। और चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। चलिए तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेना। तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ फिजिकल देने से पहले किस लिए आप लोगों को ध्यान देना है। पहला बात है आप लोगों का, जैसे अप्लाई स्टार्ट हुआ था आप इसमें आप लोग बहुत, मैं बता देता हूँ, जैसे अप्लाई हुआ है बहुत कैंडिडेट इसमें क्या है, गलती किया है, जिसका फोटो ब्लर है या सिग्नेचर गलत है तब वो भी कैंडिडेट आउट हो जाएगा। और CISF में डायरेक्ट बता दिया है, इसमें बता दिया है माँ की नाम, मदर नेम या फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ या एस, कोई भी गलत आपको मिल गया तब आपका वो कैंसिल होना है। दोस्तों इसमें क्या है, कैंसिल होना है, किसी का शौक नहीं होना चाहिए ये चीज़ में। अगर आप लोगों का गलत हुआ है तब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये कंफर्म हो चुका है। दूसरा बात आ चुका है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस में आउट हो जाता है, मैं बताता था। ये तो हो गया आप लोगों को, जो आप लोगों का अप्लाई किया प्रोसेस से पहले मैं बता रहा हूँ, अप्लाई करने में किसका इसका फॉर्म आएगा, मतलब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा वही मैं बता रहा हूँ, रिजेक्ट किसका होगा वही मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो बात है कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो बाद में आएगा आप लोगों का सर्टिफिकेट, पहले जो बता दिया मैं आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप के टाइम में, अगर आप लोगों का मदर नेम या कोई भी है आप लोगों का एज रिलैक्सेशन हो गया आपका क्वालिफिकेशन के, इसमें गलत आपको मिल गया तब आपका कैंसिल हो जाएगा, या आपका ब्लर फोटो दिया है या आपका सिग्नेचर में गलत है, ये हो गया आपका। इसका बात आ जाता है जैसे आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के दौरान भी बहुत कैंडिडेट आउट होता है क्योंकि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है मैं आप लोगों को जरूर बता देता हूँ, आप वीडियो को देखते रहिए। मिल जाता है ये नोटिफिकेशन के नीचे आना है आप लोगों को, बिल्कुल आना है। आने के बाद आप लोगों को पता करना है PSTN PET आपका होगा, और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आउट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोस्तों, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। इसलिए आप लोगों को सबसे ध्यान देने वाला बात यही होता है दोस्तों, क्योंकि पहला जो स्टेज होने वाला है PSTN PET, इसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग जो है 24 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा लगभग 50% कैंडिडेट इसमें आउट हो जाता है। दूसरा जो बात आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी आपको ध्यान देना है, देखिए हाइट 170 सेंटीमीटर ऑल इंडिया के लिए, चेस्ट है 80 to 85 सेंटीमीटर। बात आ जाता है जो रिलैक्सेशन जो स्टेट है, हिमाचल या गढ़वाल या कुमानस या गरखास दोग्रास मराठा सिक्किम एंड लद्दाख काश्मीर वैली जैन के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट के लिए 165 सेंटीमीटर और सेस्ट है 78 to 83 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका बाद आ जाता है आप लोगों ये भी कुछ दे रखा है ट्राइबल कैंडिडेट के लिए भी 162.5 सेंटीमीटर, सेस्ट जो है 77 to 82 सेंटीमीटर। बाकी आ जाता है रिलैक्सेशन, आपको हाइट एंड चेस्ट में चाहिए तो आपको एनएक्सर 6 आपका पास होना जरूरी है, तो अभी आपको इसमें रिलैक्सेशन देगा। इसका बाद आ जाता है PSTN PET में कोई आपको अगर मार्क नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आउट होने वाला है फिजिकल में। फिजिकल आर देखिए जो कैंडिडेट मतलब 100 से आप मान सकता है 10% कैंडिडेट आउट होगा जो फॉर्म अप्लाई में, क्योंकि सभी ऐसा गलती नहीं करता है आजकल। जो इसका जैसे आप 90% कैंडिडेट प्रेजेंट हो गया उसका बाद उससे आप लोगों को लगभग 50% कैंडिडेट फिजिकल में आउट हो जाएगा, और उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगभग कैंडिडेट इसमें भी 5% कैंडिडेट आउट हो जाता है। कौन कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन का आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को इसमें बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपका पास होना चाहिए, और उसमें बोला है जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप इनफॉर्मेट जो है NX 3-4-5 नोटिस जो है फ्रॉम द कैंडिडेट सेकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन के लिए भी इसमें बता रखा है। और बाद में अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला जो है, देखिए कैंडिडेट फ्रॉम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैंडिडेट that who is available relaxation height and chest के लिए भी, एंड साइज भी फोटोग्राफी चाहिए आपको, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटी कार्ड इशू, यूनिवर्सिटी आईडी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। और देखिए इसमें
मेन जो बात आ जाता है, मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ कि इसमें दीजिए जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाएगा जो स्टेट से उसी स्टेट का डोमेन सेल या PRC भी होना चाहिए, नहीं तो आपको उसमें भी फेल करा देगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स में भी आपको ध्यान देना है। इसका बाद अगर आपका रिटर्न एग्जाम देखिए, आप लोगों को 100 मार्क का रहता और 120 मिनट आपका टाइम मिलता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट आपका रहता है। ऐसे आपको देख लीजिए एक बार, इसमें आपको सबसे ध्यान देना है। और यह है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को, इसमें देखिए ओनली साइंस सब्जेक्ट का है, 12th पास के लिए जो दिया था इसमें साइंस सब्जेक्ट का आप लोगों का क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसमें PET सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आउट होता है फिजिकल में, फिजिकल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाइड हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका रिटर्न रहेगा। रिटर्न में भी लगभग कैंडिडेट क्वालिफाइड ही हो जाता है, तब भी आप लोगों को फिजिकल में बहुत ध्यान देना है। UR EWS ESM के लिए आपको 35% कैंडिडेट आपको मिलना चाहिए जो मार्क है, और SC ST OBC के लिए 33% आपको मिलना चाहिए आपकी। उसका बार आपका जैसे मेडिकल आप लोगों का हो जाएगा, अभी मेडिकल होगा उसका रिटर्न के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट भी आ जाएगा। दोस्तों आप इस बात को ध्यान देते हुए आप अच्छा से ये कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पहले इसमें बता दिया है कि इसमें आपको रिजेक्ट हो सकता है, किसमें आप एक्सेप्ट हो सकता है। जहाँ पे आप डोमिसाइल बना रहा है उधर से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, CISF कोड बता दिया है। और बाकी आप लोग टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, फिजिकल के लिए पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि फिजिकल डेट भी बहुत जल्दी आप लोगों का आने वाला है। इसमें और बोला है ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एक ही एप्लीकेशन क्या है उसका है आप लोगों का सबमिट जो हुआ है उनका रहेगा, आएगा, एक्सेप्ट होगा। और बाकी जो एक से दोबारा या दूसरा या तीसरा अप्लाई किया उनका कैंसिल होगा, डायरेक्ट बता दिया। इसमें एप्लीकेशन हुई थी जिसका ब्लर है फोटोग्राफ में सिग्नेचर में, तो उसका भी रिजेक्ट होगा, मैं पहले आपको बता दिया। और देखिए एन एप्लीकेशन भी समरली रिजेक्ट स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैविंग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने भी आपका रिजेक्ट होगा। इसमें देखिए सबमिटेड विदाउट फीस वेयर ड्यू। उसका बाद आप लोगों को बताया गया है दोस्तों, देखिए आप लोग ये कुछ देखिए एक बार अभी, और इसमें दिया है देखिए, इसमें देखिए इसमें एक पॉइंट दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ।